दोस्तों भारतवाज गोत्र आपको सभी जाति वर्ण और समाज में मिल जाएगा। प्राचीन काल में भारतवाज नाम के कई ऋषि हो गए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा जिन्होंने 765 मंत्र लिखे हैं। वैदिक ऋषियों में भारतवाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। दोस्तों अंगिरा वंशी भारतवाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। बृहस्पति ऋषि का अंगिरा के पुत्र होने के कारण ये वंश भी अंगिरा का वंश कहलाएगा। ऋषि भारतवाज ने अनेक ग्रंथों की रचना की, उनमें से यत्र सर्वस्व और विमान शास्त्र की आज भी चर्चा होती है। दोस्तों चरक ऋषि ने भारतवाज को अपरिमित आयु वाला कहा है। भारतवाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। वे दिवोदास के पुत्र प्रतदन के भी पुरोहित थे और फिर प्रतदन के पुत्र छत्र का भी उन्हीं ने यज्ञ संपन्न करवाया था। वनवास के समय प्रभु श्री राम इनके आश्रम में आए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। उचित परमाणु से भारतवाज ऋषि को अपरिमित वाला कहा गया है। दोस्तों भारतवाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। दोस्तों ऋषि भारतवाज के प्रमुख पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ऋजिस्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, सांस, शिरमिष्ठ, सुनहोत्र, सपत्र और सुहोत्र। उनकी दो पुत्रियां भी थी जिनका नाम रात्रि और कसीपा था। इस प्रकार ऋषि भारतवाज की 12 संतानें थी। बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दलित समाज के लोग भारतवाज गोत्र लगाते हैं। वे सभी भारतवाज कुल के ही हैं। अंगिरा के पुत्रों को अंगिरस कहा गया। अंगिरस ये अंगिरा वंशी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। महर्षि अंगिरा के सबसे ज्ञानी पुत्र ऋषि बृहस्पति थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित हैं। बृहस्पति के पुत्र कच्छ थे, जिन्होंने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी थी। देव गुरु बृहस्पति की एक पत्नी का नाम शोभा और दूसरी का तारा है। शोभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका नाम है भानुमती, राका, अर्चिसमती, महामती, महिष्मती, सिनीवाली और हविष्मती। दोस्तों तारा से 7 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। उनकी तीसरी पत्नी ममता से भारतवाज और कच्छ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रत्यधि देवता ब्रह्मा हैं। दोस्तों राइट बंधुओं से 2500 वर्ष पूर्व वायुयान की खोज भारतवाज ऋषि ने ही कर ली थी। हालांकि वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का उल्लेख इस बात का प्रमाण है, लेकिन ऋषि भारतवाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतवाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और स्पेस शटल यान का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के संबंध में भी लिखा है। साथ ही उन्होंने वायुयान को अदृश्य कर देने की तकनीक का भी इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। तो दोस्तों यह थी जानकारी ऋषि भारतवाज और उनके वंश के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।